माय चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ लेक सिटी ऑफ इंडिया, जो है उत्तराखंड की फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो बने रहिए इस व्लॉग में आखिर तक, क्योंकि होने वाली है फुल टू मस्ती। बदन में जली है जली है जली तो गुम सुन गली खोल दू से ऊपर बहुत बहुत जितना नैनीताल भाजपुर से उतना इतना ही है। अब जाएंगे तो शाम को पूछे जाना है। ऐसी है लेकिन रानी खेत में बहुत मस्त जगह नजारे ही है। बस और ਬਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਦਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦੁਨੀਆਂ ਖੱਲੂ।
बताओ कहाँ जा रहे हो आप? ये है नैनीताल की प्यारी सी सुंदर सी वादियाँ। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने गाड़ी रुकवा के यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई। कितनी प्यारी यहाँ पे छोटी-छोटी हिस्से में खेती हो रही है, जिसको हम स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर सीढ़ीनुमा खेती होती है। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है या जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप पानी जो होता है वो नीचे उतर जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती होती है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये छोटे छोटे खेत जो दूर से दिखा रही हूँ मैं आपको। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़। तो ये देखिए पहाड़, कितना सुंदर व्यू है, कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ एक के पीछे एक के पीछे। ऐसे और सुंदर व्यूज आपको देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में एंड तक। ले शेरवुड यहाँ है दिव्य गिलबेरी रोड वो है मम्मी। Round and round, round the down. We
हमारा आने वाला है, ये है नैनीताल की कुमायूं यूनिवर्सिटी जो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहीं से रश हमारा स्टार्ट हो गया है और आगे बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी आप इस ब्लॉग में बने रहिए और आगे लेके चलते हैं हम आपको। ये पहुंच गए हम नैनीताल में। ये देखिए, ये है यहाँ का फेमस होटल मनु महारानी जो बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं आपको लेके चल रही हूँ पार्किंग की तरफ, जहाँ से हम चलेंगे नैनी झील, नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा साहिब और मार्केट की तरफ मैं आपको लेके चलूँगी। और साथ ही शेयर करूँगी मैं नैनीताल की कुछ पिक्स जो हम गए थे गर्मियों में, और लास्ट टाइम की 14 दिसंबर की पिक्स जिस टाइम पे हम गए थे नैनीताल से पहले ही पड़ता है कीलपुरी, और लास्ट टाइम जब हम 14 दिसंबर को वहाँ पे गए थे तो बहुत सारी बर्फ गिरी हुई थी जहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया था, मस्ती की थी। तो उसकी भी मैं पिक्स आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग के लास्ट में, तो बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक। तो पार्किंग में हम जा रहे हैं और ये देखिए पार्किंग के सामने ही बिल्कुल है स्टेडियम, और उसके सामने ही है बास्केटबॉल कोर्ट जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये सामने ही जो ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे होता है क्रिकेट मैच, तो ये है यहाँ का स्टेडियम, काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। और ये सामने ही है जामा मस्जिद जो 1882 की है, और इसी तरीके से यहाँ पे आसपास में ही है काफ़ी घूमने की जगह, और पास में ही है सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च। और यहाँ पर पार्किंग के पास में ही है श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब, तो चलिए वहाँ चलते हैं हम दर्शनों की ओर। गुरुद्वारा साहिब जी में हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब जी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर मन को बहुत शांति मिलती है, और देखिए यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान हॉल कितना सुंदर सजा हुआ है। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ गुरुद्वारा साहिब जी के अंदर से ही झील का नज़ारा। देखिए यहाँ से भी आप झील का पूरा नज़ारा ले सकते हैं, कितनी सुंदर लग रही है नैनी झील। और नैनीताल में बहुत धूप निकली हुई है। मैं खड़ी हूँ नैनीताल के नैना देवी मंदिर के बाहर, और चलिए आते हैं, चलते हैं नैना देवी माता के दर्शनों के लिए।
अब हम जा रहे हैं नैना देवी माता के दर्शनों के लिए मंदिर में। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सीढ़ियों के पास ही रखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजिंग मशीन, जहाँ पर आकर भक्तजन अपने हाथों को सैनिटाइज करके माता के दर्शनों को जा रहे हैं। तो चलिए हम भी करते हैं मंदिर के दर्शन। आप देख सकते हैं कि नैना देवी मंदिर में कितनी चहल पहल है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घंटियों को भी कर रखा है कवर। ये देखिए नैना देवी मंदिर के अंदर से ही मैं आपको नैनीताल के झील के नज़ारे दिखा रही हूँ। इधर भी नहीं चाहिए ना फ्लावर्स इधर। और ये देखिए मंदिर में झील के किनारे पर कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जिसे देखकर हमारे लेटेस्ट जैम बहुत खुश हो रहा है। आपके पास टोकर है कैच करने का? अब मैं आपको दिखा रही हूँ नैनी झील का व्यू मालरोड की साइड से। आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है झील का। और ये है यहाँ की मालरोड। तो यहाँ मालरोड से आगे जाके हम जा रहे हैं तल्लीताल की तरफ, जहाँ से तल्लीताल की मार्केट स्टार्ट होती है। और ये है मालरोड की साइड में सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट और होटल्स। और आगे चलते हुए मैंने देखा एक सुंदर सा फैमिली रेस्टोरेंट जो है चांदनी चौक के नाम से। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये, जिसके बोर्ड पर लिखा है दिल्ली का दिल चांदनी चौक अ यूनिट ऑफ होटल हैप्पी होम। नैनीताल का रिक्शा स्टैंड से देखिए नैनी झील का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सरोवर नगरी में आपका स्वागत है। और यहाँ मार्केट में इतना रश है और यहाँ पर पुलिस खड़ी होकर कह रही है मास्क पहनिए मास्क पहनिए। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन सकते हैं उनके लिए और हम अपने यहाँ से कर रहे हैं छोटी छोटी शॉपिंग। यहाँ पर काफ़ी वुलन्स आइटम, बच्चों के आइटम और डेकोरेटिव पीसेज हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी ट्यूरिस्ट मस्त हैं शॉपिंग करने में।
और सामने से चले आ रहे हैं बच्चों के फेवरेट कैंडी वाले भाई। तो हमारे लिटिल चैंप एंजॉय कर रहे हैं कैंडी को और अपना डे एंजॉय कर रहे हैं अपने ही डे में। बच्चे स्टार्ट हुए हैं शूटिंग के लिए, तो देखते हैं किसका टारगेट सही बैठता है। अब बता किसका आ रहा है, किसका बैगा देख, ऑरेंज वाला कोटा देख, नीचे के तीन में से एक ओरिजिनल जलाते हैं, मुझे नहीं जलाते। अब येलो बोल कैन पे शूट कर। अरे सच्ची में बढ़िया, देखा बेटे वेस्ट नहीं करता मैं। और अब चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। क्या एंजॉय कर रहे हो? और बच्चे मस्त हैं हॉट चॉकलेट में। हम जहाँ बैठे हैं उसके सामने है भोटिया मार्केट। आप देख सकते हैं काफी रश है। और अब फिर से हम जा रहे हैं नैना झील की तरफ बोटिंग करने के लिए। और पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से सुंदर सा व्यू नैनी झील का। तो ये है फिशेस नैनी झील के साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोट है और फिशेस कितनी प्यारी हैं कलर के। और देखिए दूर से नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, देखते ही बनता है। और यहाँ पे काफी धूप निकली हुई है, देखिए कितने टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। और अब हम करने जा रहे हैं बोटिंग। नाउ वी आर एंजॉयिंग इन नैनीताल। तो फाइनली अब हम करने जा रहे हैं बोटिंग। पीछे आप देख सकते हैं पीछे भी आ रही हैं। ओके यहाँ पे काफी लग रहा है जो बोटिंग कर रहे हैं। ये भैया जी हमें बोटिंग करा रहे हैं। और ये देखिए नैनी झील से भी आप देख सकते हैं बोटिंग करते समय नैना देवी मंदिर और गुरुद्वारा साहिब जी को। ये
और बोटिंग का एग्जाम लेने के बाद आने वाले हैं हम किनारे पे। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2019 के नैनीताल केवड़ी की पिक, जिसमें हम 14 दिसंबर को गए थे। और ये है 2020 की 14 दिसंबर की ही पिक्स, जिसमें बहुत धूप निकली हुई है। तो देखिए जिस तरह से मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह से समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि 2021 सभी के लिए सुख शांति लेके आए, खुशहाली लेके आए। और इसी श्लोक के साथ मैं इस ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्।